नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे इंदौर में प्रियंका गांधी के दौरे की। जी हाँ, इंदौर में आज प्रियंका गांधी का दौरा रखा गया, रोड शो रखा गया और इस रोड शो ने कांग्रेसियों में एक नई जान फूंक दी। इंदौर के लोगों के लिए प्रियंका गांधी वैसे भी आकर्षण का केंद्र रही। इंदिरा जी के बाद प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा नेहरू परिवार की ऐसी नेत्री है जिन्हें देखने के लिए लोग आज भी सड़कों पर उतर आते हैं। इंदौर में प्रियंका गांधी के दौरे के पहले राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे। राहुल गांधी को देखने के लिए भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सड़कों पर भारी भीड़ थी और कुल मिलाकर बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने राहुल गांधी को न केवल देखा बल्कि चुनाव में उसका लाभ भी कांग्रेस को मिला। अब प्रियंका गांधी के दौरे से भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी के दौरे के लिए 200 से ज्यादा मंच लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की सादगी, उनके बोलने का लहजा, सब कुछ देखकर लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। इंदिरा गांधी के प्रति देश की जनता का आज भी आदर भाव है और प्रियंका गांधी के प्रति भी बेहद आदर भाव देश की जनता रखती है। इंदौर के लिए उनका दौरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस रास्ते पर उनके पिता राजीव गांधी गुजरे थे उसी रास्ते पर राहुल गांधी आए और राहुल गांधी के बाद अब उसी रास्ते से प्रियंका गांधी गुजर रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस ने पंकज संघवी को टिकट दिया है। पंकज संघवी अभी तक लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्हें अभी तक किसी भी चुनाव में सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि वे सफल हो सकते हैं, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी का यह दौरा पंकज संघवी को कितना समर्थन दिलाता है, कितना वोट दिलाता है, यह तो आने वाला समय तय करेगा। 23 मई तय करेगी और 19 तारीख को इंदौर में मतदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के दौरे के लिए को लेकर कांग्रेस में जो उत्साह है, शहर की महिलाओं में जो उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, वह उत्साह देखते ही बनता है। आप इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।